हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस एपिसोड में हम चलेंगे दुबई शहर, जिसे आप बखूबी जानते होंगे, जो कि अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है। उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस शहर का एक गरीब भी है, मतलब कि भारत के लखपतियों के बराबर होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि वहां के शासकों की लाइफ स्टाइल कैसी होगी। चलिए जरा नजर डालते हैं। आज हम दुबई के क्राउन प्रिंस की लाइफस्टाइल की तरफ चलते हैं और जानेंगे कि कैसे ये करोड़ों रुपए बस कारों में उड़ा देते हैं और क्या है इनकी कमाल की नाइट लाइफ। तो सबको जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम दुबई के जाने माने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बात करते हैं। वैसे भी आप में से बहुत से लोग इनके बारे में पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये हैं ही इतने फेमस, जो कि जानने लायक इंसान भी हैं। दोस्तों, ये जनाब प्रिंस होने का बखूबी फायदा उठाते हैं। इस बात का अंदाजा आपको इसी चीज से लग जाएगा कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस सलमान ने कुछ साल पहले अपने जन्मदिन की पार्टी मालदीव में दी थी, जिसमें उन्होंने एक रात की पार्टी के लिए करीब 52 करोड़ रुपए लुटा दिए। इस पार्टी में पिटबुल, शकीरा जैसे वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी भी आए थे। इनकी अय्याशी का सिलसिला यहीं पर नहीं थमता। जब दुनिया भर में कच्चे तेल की घटती कीमतों को लेकर शाही परिवार चिंता में था, वहीं अपने खर्चे कम करने की सोच रहे थे। लेकिन उस समय प्रिंस सलमान खर्चे पर खर्चे किए जा रहे थे और उस समय इन्होंने 360 करोड़ रुपए का यार्ड खरीदा एक बिजनेसमैन से। और इन सभी चीजों से आप उनके रईसी का अंदाजा लगा सकते हो भाई। दोस्तों, प्रिंस सलमान तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने हॉलीवुड की अभिनेत्री को लेकर विवादित बयान दिया। दोस्तों, ये बात है कि कैसे बताऊं आपको, हॉलीवुड अभिनेत्री किम कार्दशियन के पति ने कुछ सालों पहले एक ट्वीट करके कहा कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। दोस्तों, इस बयान के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने किम के पति को जवाब देते हुए ये कहा कि उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर वो एक रात के लिए अपनी पत्नी किम कार्दशियन को उनके पास भेज दें, तो उनको $1 करोड़ यानी 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस बात को सुनकर उनके इस बेहुदा प्रस्ताव को उनके पति ने स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिंस सलमान पैसा कहीं पर भी फेंक सकते हैं, चाहे कितनी ही नीच हरकत क्यों ना करनी पड़े। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, विचार आपके जो भी हैं, कि मतलब एक प्रिंस को ऐसी बातें बोलना अच्छा लगता है, शोभा देता है, क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए ना कि आप हमारा वीडियो किस शहर किस गाँव से देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। दोस्तों, हर बिजनेसमैन अपना बिजनेस दुबई में शुरू करने का सोचता है। हर इंसान की इच्छा होती है कि भैया एक ना एक बार तो दुबई वो घूम कर आ ही जाए। हर कोई देखता है ऐसा सपना है कि नहीं, जिसका सबसे बड़ा कारण है दुबई की खूबसूरती। दुबई दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। एक ऐसा देश है भैया जो कि बहुत ज्यादा सेफ भी है, शांत भी है। दुनिया भर के लिए दुबई किसी जन्नत से कम नहीं है। दुबई को रेगिस्तान से बदलकर एक सेफेस्ट और खूबसूरत शहर बनाने गए जो महान व्यक्ति ना, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। बहुत बड़ा नाम है भैया। इस समय ये दुबई में 11 साल से पावर में, इनकी तूती चलती है। जरा आपको हम इनके बारे में बता देते हैं, इनकी लाइफस्टाइल और इनकी रईसी के बारे में। मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम का जन्म 15 जुलाई 1949 को दुबई में हुआ और ये वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, और ये दुबई के रूलर भी हैं। और बात करें अगर इनकी कुल संपत्ति की, तो वो है $14 अरब और ये संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ दुबई अमीरात के शासक के रूप में काम करते हैं। शेख मोहम्मद दुबई होल्डिंग के 99% के मालिक हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद ने 6 शादियां कर रखी हैं और भैया इनके ना 23 बच्चे हैं, जिनमें से 9 बेटे और 14 बेटियां हैं। इनकी उम्र हो गई है 72 साल, लेकिन इतनी उम्र होने के बाद भी अगर आप इनके शौक जानेंगे ना, फिर तो भैया हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये अपने क्या ही कहूँ यार, इनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। आई मीन बहुत सारी लाइब्रेरीज आपने देखी होंगी जिनमें सुविधाएं होती हैं, लेकिन इनकी जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर उन्होंने $1 बिलियन खर्च किया है। लाइब्रेरी का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी से लोग अच्छी खासी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद को 30 चैरिटी फाउंडेशन भी है इनके। 16 कंट्री के 130 मिलियन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए उन्होंने 1 अरब रुपए खर्च कर दिए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ इनका एक और अल नूर फाउंडेशन है, जो कि फ्री में दुनिया भर के लोगों के आंखों का इलाज करवाता है। दोस्तों, अगर इनके घर की बात करें तो इनका कोई एक घर नहीं है, इनके घर दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन बात करें इनके ऑफिशियल रेजिडेंट की, तो वो दुबई में है, शेख मोहम्मद पैलेस नाम से दुनिया का खूबसूरत महल है। इस महल की कीमत लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा इनका हाउस मोरक्को में भी है, उसका नाम है ले बेले एपोको।
पेंट हाउस, और इस पेंट हाउस की कीमत $308 मिलियन है भाई। अगर भारतीय करेंसी में बात करें तो ये बैठते हैं करीब 2300 करोड़ रुपए, और ये पेंट हाउस 17,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इसके अलावा इनका महल जैसा घर स्कॉटलैंड में भी है, जिसका नाम इनवरिनेट एस्टेट है, जो कि 63,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, और उसकी कीमत $3 मिलियन है। और इनका एक फार्म हाउस भी है जिसका नाम है गेन्सब्रोक फार्म हाउस, जो यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है। और इनका एक घर यूनाइटेड किंगडम में भी है जिसका नाम है डलहम हॉल, जो कि $60 मिलियन का है और भारतीय करेंसी में 450 करोड़ रुपए बैठते हैं। इन सब के अलावा मोहम्मद राशिद के और भी कई घर हैं। दोस्तों अगर बात करें इनके कार की कलेक्शन की ना, तो इनके पास दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार्स का कलेक्शन है। इनके पास मर्सिडीज एमजी 63 है, जो कि इंडिया में मिलती है 2,19,00,000 रुपए की। और इसके अलावा इनके पास लगभग मर्सिडीज की 22 कारें हैं। और दोस्तों खास बात यह है कि इनकी कार्स में VIP नंबर प्लेट होती है, जिसकी कीमत 53 करोड़ रुपए होती है। और दूसरी कार क्या ही गए, बुगाटी वर्सन पेगासो एडिशन है, जिसकी कीमत होती है 73 करोड़ रुपए। और दोस्तों तीसरी कार जो है वो सोने की है, जिसका नाम है कस्टम गोल्ड रोल्स रॉयस घोस्ट, जिसकी कीमत 44 करोड़ रुपए है। दोस्तों इनके पास बोइंग 747 जेट है, जिसकी कीमत 1750 करोड़ रुपए है। और बात करें इनकी याच के बारे में, तो दोस्तों इनके पास 531 फीट का याच है, जो कि देखने में काफी लग्जूरियस है, हर तरह की फैसिलिटीज लैस है। याच की कीमत है $300 मिलियन, जो कि भारतीय करेंसी में 2250 करोड़ रुपए हैं। दोस्तों अगर हम इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, पर इनकी लग्जूरियस लाइफ खत्म नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके सुपुत्र हैं प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम, जिनकी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बता देता हूं। साल 2019 में इनकी कजिन बहन शेकिया से इन्होंने शादी की। इन दोनों की शादी दुबई की एक बहुत बड़ी शादी थी, जो कि दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई। दोस्तों हमदान के पास लग्जूरियस प्राइवेट जेट भी है, जिसे लेकर वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। प्राइवेट जेट के अलावा इनके पास एक बड़ी याच है, जिसकी कीमत $150 मिलियन है। दोस्तों हमदान के पास लग्जूरियस और एक्सपेंसिव कार्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज शामिल है। दोस्तों मोहम्मद शेख हमदान को लोग फाजा के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1982 को हुआ था। इन्होंने पहले अपनी स्टडी दुबई में की, उसके बाद यूके में। और दोस्तों फाजा नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पर ये अपनी लाइफस्टाइल शेयर करते रहते हैं। और दोस्तों इनको हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है। जब भी इनको कोई हॉर्स पसंद आता है ना, उसको ये कीमत से ज्यादा पैसा देकर खरीद लेते हैं। ऐसी खबर सुनने को मिलती है, जब हमदान एक बार कहीं से बाहर जा रहे थे तो इनको रास्ते में एक ऊंटनी नजर आई, जिसे देखकर फाजा को उसको खरीदने का मन कर गया। उन्होंने उसकी कीमत से ज्यादा उस ऊंटनी को खरीद लिया भैया, और उन्होंने उस ऊंटनी की पता है कितनी कीमत दी, 20 करोड़ रुपए। ओहो दोस्तों इसके अलावा इनके पास दर्जन से भी ज्यादा ऊंट है, जिसकी कीमत 32 करोड़ से ज्यादा है। और एक बार इन्होंने अपने फादर के साथ मिलकर एक घोड़ा खरीदा, जिसकी कीमत लगभग 21 करोड़ रुपए थी। और दोस्तों इनके पास एक अमेजिंग कार भी है, जो कि पानी और रोड दोनों जगह पर चल सकती है। इस कार का नाम है पायथन। इसकी जमीन पर स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी पर इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस कार की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। और दोस्तों जिस हिसाब से इतने अमीर है ना, उस हिसाब से दयालु भी बहुत है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार UAE के एक कैंसर पेशेंट ने अमेरिका में अपने इलाज के दौरान इमोशनल मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया। उसके बाद जब दुबई के प्रिंस को पता चला, तो उन्होंने उस कैंसर पेशेंट के पूरे इलाज का जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया। बाद में पता चला कि उस शख्स के ऊपर 6 करोड़ रुपए खर्च हुए, और सारे पैसे हमदान ने दिए। और दोस्तों इसके अलावा एक बार जब इन्होंने हॉर्स राइडिंग दुबई जीता ना, तो इनाम में मिले $6 मिलियन उसको भी चैरिटी में दे दिया। अब आपको यकीन हो गया होगा कि अमीर इंसान लालची नहीं, दयालु भी हो सकता है, शेख हमदान की तरह। और दोस्तों कई बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटी इनके काफी अच्छे दोस्त भी हैं। तो चलिए वीडियो के अंत में हम आपको इनके बारे में एक और खास बात बताते हैं। दोस्तों हमदान जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। इनके पास घोड़े, ऊंट, शेर जैसे खतरनाक जानवर से लेकर छोटे छोटे पक्षी भी हैं। और अगर कोई पक्षी इनके कार पर घोंसला बना लेता है, तो ये फिर दोबारा उस कार को कभी यूज नहीं करते, चाहे उस कार की कीमत करोड़ों में ही क्यों ना हो, क्योंकि उनका मानना है कि वो अगर उस कार को यूज करेंगे तो पक्षी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास बिलियंस डॉलर्स हों, तो आप उसे कैसे खर्च करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से वाकई कुछ सीखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो अभी दीजिए इजाजत, चलते हैं, जल्दी फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।